महीना था, जाड़े की कड़कड़ाती ठंड थी और पूर्णिमा का चांद अपने पूरे आबोताब के साथ जलवागर था। मेरा नाम नुसरत अंसारी है और मैं पिछले 5 साल से दास्तान गोई कलेक्टिव के साथ जुड़ी हुई हूँ। इस दौरान हमने कई तरह के शोज किए हैं, जैसे रिवायती दास्तानें, दास्तान हैरत की, गैर रिवायती दास्तानें जैसे दास्तान सेडिशन, दास्तान चौगोली, दास्तान जलियां, और साथ ही हम लोगों ने बच्चों के लिए भी काफी सारे शोज किए हैं दास्तान एलिस। और इतनी खुश हो गई कि खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगी, वेलजन एलिस वेलजन, कि तभी वो दब से गिरी एक दूसरे के ढेर पर। चोट तो नहीं लगी, अलबत्ता उसके कपड़े जरूर खराब हो गए। अब वो अपने कपड़े झाड़ती हुई उतरी और उसने इधर उधर नजर जो दौड़ाई तो पाया वो है एक बड़े से कमरे में। इसके अलावा हम लोगों ने कई सारे वर्कशॉप्स किए स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर दास्तान गोई के। फिर बुढ़िया का बेटा आया, फिर बुढ़िया का बेटा आया, अरे फिर बुढ़िया का बेटा आया, फिर बुढ़िया का बेटा आया, खींची छोटी सो अंदर आया, खींची छोटी सो आया। जैसा बहादुर शाह जफर ने कहा है कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। पर मेरे लिए पर्सनली दास्तान गोई परफॉर्मेंस और वर्कशॉप से कहीं ज्यादा बढ़कर है। मेरे लिए ये एक जिंदगी जीने का तरीका है और इस फन में महारत हासिल करने के लिए, एक मुकम्मल दास्तान गो बनने के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर सारी जिंदगी भी दे दी जाए तो कम पड़ेगी। ख्याल आ ही गया था तो ठहरना कैसा।